नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं माँ कामाक्षी देवी टेंपल में, जो पंजाब के कमाही देवी क्षेत्र में पड़ता है। और आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फाइनली हम माता कामाक्षी देवी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। जल्दी ही आपको इसका मेन एंट्रेंस गेट दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेन एंट्रेंस गेट पे हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के बाहर आप प्रसाद की दुकानें देख सकते हैं, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं मंदिर में जाने के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं मंदिर के बाहर। कमाही देवी स्थित माँ कामाक्षी देवी का मंदिर प्राचीन समय से ही भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। मंदिर में स्थापित पड़ी के नीचे से जल निकलता है, जो कि मंदिर के सामने बने सरोवर में गिरता है। माँ कामाक्षी देवी मंदिर को नवरात्र के उपलक्ष्य में चारों तरफ से सुंदर सजाया गया है। भक्तों के लिए रहने व खाने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष प्रबंध किया जाता है। मंदिर में पहुंचने के लिए आप होशियारपुर से 50 किलोमीटर बाया हरियाणा तथा दसूहा 20 किलोमीटर और दतारपुर से कमाई देवी जाने के लिए बसें उपलब्ध हैं। प्राइवेट व सरकारी बसें होशियारपुर बस अड्डे से मिलती रहती हैं। इसके अलावा तलवाड़ा से 16 किलोमीटर तथा मुकेरियां से 30 किलोमीटर दूर है शक्तिपीठ कमाही देवी। शिवालिक पर्वत माला की गोद में स्थित कमाही देवी माँ कामाक्षी देवी मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। तपोमूर्ति महंत 108 श्री राजगिरी की अध्यक्षता में यहाँ नवरात्र के उपलक्ष्य में मेला लगाया जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ कामाक्षी देवी की आराधना की थी। विराट नगरी दसूहा में रहते हुए ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने यहाँ तपस्या करी थी। यहाँ से आप मंदिर में बनी कला मूर्तियों का नजारा देख सकते हैं। विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु यहाँ माता के दरबार में हाजिरी लगवाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने पर प्रसाद, नारियल, धूप, चुनरी आदि पदार्थों से पूजा कर ध्वजारोहण ढोल बाजे के साथ करते हैं और जगत जननी के प्रति अपनी श्रद्धा एवं आस्था का इजहार करते हैं। यहाँ से आप श्रद्धालुओं को मंदिर के दर्शन करते हुए देख सकते हैं। साल में दो बार लगने वाले नवरात्र मेला में असंख्य श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मन्नतें पूरी होने पर ढोल बाजों के साथ आकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। नवरात्र में ही श्रद्धालु यहाँ अपने नवजात शिशुओं के मुंडन करवाने दूर दूर से आते हैं। जहाँ से आप पूरा मंदिर का नजारा देख सकते हैं। तपोमूर्ति महंत श्री राजगिरी की अध्यक्षता में यहाँ भगवत कथा, श्री राम कथा, विष्णु यश तथा धर्म सम्मेलन सारा साल करवाए जाते हैं। महंत ने बताया कि माँ कामाक्षी देवी सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मेले में सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ आते हैं।
मंदिर में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कई कमरे तथा दो बड़े सत्संग भवन हैं जो सभी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। लंगर व्यवस्था लगातार सुचारू रूप से चलती रहती है। प्रतिदिन यहाँ दुर्गा माता की पूजा व आरती की जाती है। यहाँ हर रोज सुबह शाम बड़ी विहंगम आरती, हवन तथा अन्य आयोजन नियमित होते हैं। विद्वान अजय शास्त्री बनवारी लाल बड़े नियम से सारी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। महंत जी भी बहुत ही विनम्र स्वभाव के उच्च कोटि के संत हैं और हर समय परहित चिंतन में लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ब्लॉग ये खत्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। ये मंदिर का आप सराउंडिंग एरियाज देख सकते हैं। मंदिर में आपको जिंदगी में कभी ना कभी एक बार जरूर आना है चाहिए। अगर आप यहाँ पे आने का प्लान बना रहे हैं तो आप साल में किसी भी समय यहाँ पे आ सकते हैं।